Happy birthday, Sagar Bhaiya. Sagar Bhai, happy birthday! वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 24 जनवरी 2024 और कोच साहब का बर्थडे। कितनी अच्छी डेट है 24 24। तो यार आज मेरा बर्थडे है, जिस दिन ये व्लॉग आएगा उस दिन पता नहीं कौन सी तारीख होगी, बट मेरा जन्मदिन कश्मीर में मना रहे हैं हम। मना क्या रहे हैं, जस्ट अभी अपने होटल से निकले हैं। यहाँ से निकल के सबसे पहले हमने प्रसाद और फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, फिर हमने जाना है मंदिर। पहलगाम में एक माता का मंदिर है, गौरी शंकर टेम्पल। आज हम निकलने वाले हैं आरू वैली के लिए, उससे पहले हम ना मंदिर जाएंगे। पहलगाम में एक मंदिर है माता का, उसके बाद हम वहां से निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। पहलगाम के मार्केट में ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे कैंपिंग की जर्नी में। मैं अपने बर्थडे वाले दिन भी कैंपिंग कर रहा हूँ, और आज क्या क्या खाने को बनेगा ये हम आपको रास्ते में आने वाले ब्लॉग में बताते रहेंगे। खुशी का दिन था तो मन करा कि इसकी शुरुआत मंदिर से हो। पहलगाम की मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेके टेंपल के दर्शन के लिए निकल गए। ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि 400 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है, जिस वक्त कश्मीर में हिंदुइज्म को फॉलो किया जाता था। यहाँ हुआ वुडवर्क कश्मीरी आर्किटेक्चर को दर्शाता है। कितनी ही कुदरती आपदा आने के बाद भी ये टेंपल वैसा ही खड़ा है। दर्शन करते वक्त भगवान को थैंक यू बोला हर वो खुशी के लिए जो हमें नसीब हुई इस लाइफ में। फाइनली हम मंदिर से आ चुके हैं, और अभी हम कुछ खाने के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए हम दाना पानी जा रहे हैं। मैं पार्टी दे रहा हूँ अपने बर्थडे की, और वहाँ पे जाके हम कुछ खाते हैं। तो गाइस कैसा रहा मंदिर का एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया। मतलब मंदिर ना ऐसा एकदम फील आ रहा है हमें कि जैसे हम पंजाब में ही है। सही बात है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। यहाँ पे मंदिर बहुत कम है, आपको पता है कश्मीर में, तो ये पहलगाम में काफी फेमस टेम्पल है। तो वहाँ पे हमने सोचा कि मेरा बर्थडे है तो अपने बर्थडे की शुरुआत मंदिर से करते हैं, और वहाँ पे हम दर्शन करके आए, काफी मजा आया। और अभी हम जा रहे हैं दाना पानी। मैं दे रहा हूँ पार्टी अपने बर्थडे की, अभी निपटा रहा हूँ काम ताकि रात तक कोई पार्टी वार्टी का सीन बचे ना, क्योंकि उसके बाद तो इसने शेफ ने अपना काम करना है वहाँ पे जाके, जहाँ पे हमने कैंपिंग। मैं पार्टी दूंगी अपने हाथ से बना के सब कुछ, और हमारे तो मजे ही मजे हैं। आज को साहब का बर्थडे है तो आज मजे होने चाहिए, और सभी को खुश करके भेजना है। तो ये हमारा लास्ट व्लॉग होगा इस सीरीज का, तो सोच रहे हैं कि आज भी कुछ एक्सपीरियंसफुल और अच्छा करें। पार्टी तो देनी बनती थी ना, बर्थडे जो था, आज किसी को नाराज नहीं करना। तो सुबह का ब्रेकफास्ट करके हम बढ़ लिए आरू की तरफ। इनको हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे, इनका बर्थडे है। थैंक यू। सारे एक साथ बोलो हैप्पी बर्थडे सागर भैया। हैप्पी बर्थडे सागर भैया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सागर। किसी ने ठीक कहा है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और जब कभी इंसान को मौका मिले उसे अपनी खुशी को दूसरों से जरूर बांटना चाहिए। सागर भाई हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल।
हमें कुछ बच्चे मिले जो यहीं लोकल गांव के थे और उनको देख हमें अपना बचपन याद आया। उनके चेहरे पे मासूमियत और वो खुशी हम भी महसूस कर पाए। इसी के साथ टाइम आ गया था कैंपिंग सेटअप करने का। तो गाइस फिलहाल हम अपनी कैंप साइट पे आ चुके हैं जो हमने ढूंढी है आरू वैली के पास। आरू वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही ये जगह आती है। हम पहले यही सोच रहे थे कि हम एंड तक जाएंगे, बट हमें लगा कि अगर हमें गाड़ी चाहिए साथ में और हमें थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग का काम करना था आज भानु को, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो आज हमारा बर्थडे व्लॉग होने वाला है। मैं अपना फर्स्ट टाइम जो बर्थडे मैं अपना कैंपिंग में मना रहा हूँ। एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, आगे हम घर पे होते हैं या फिर कहीं और होते हैं। पिछली बार मैं कोयम्बटूर था 24 जनवरी को, जब मैं केरला सीरीज में था तब मैं कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन गया था अपने बर्थडे पे, बट इस बार मैं कश्मीर में हूँ। तो यहाँ पे भी पहलगाम पे एक मंदिर है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया कि हम मंदिर गए, और अभी हम आए हैं यहाँ पे कैंपिंग करने। आज शाम को होने वाली है पार्टी, भानु को केक भी बनाना है और भानु को थोड़ी सी डिशेज और भी बनानी है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का ये लास्ट व्लॉग होगा इस सीरीज का, तो देखते हैं गाइज आज का दिन कैसे रहता है। ट्रैवलिंग के कुछ एक्सपीरियंसेस आपको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि काश हम किताबें रटने की बजाय लाइफ को जी पाते, क्योंकि इससे अच्छी एजुकेशन कोई हो नहीं सकती। इसी के साथ अचानक हमारी कैंपिंग स्पॉट पे आए कुछ नए मेहमान। चले जाओ चले जाओ दीजिए। थैंक यू सो मच। तो यार अभी पता क्या हुआ, अभी ना मलेशिया से ना कुछ लोग आए हुए थे फॉरेनर्स यहाँ पे घूमने के लिए, वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमसे हाय हेलो की, हमसे बातचीत की, और उनको उनको भैया ने बताया कि मेरा बर्थडे है, तो उन्होंने मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट करा हमारा, और साथ में एक मलेशियन सॉन्ग भी गाया और इंग्लिश में भी हैप्पी बर्थडे उन्होंने मेरे को विश किया। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही एक हैपनिंग सा मोमेंट था। वो कश्मीर आए हुए थे स्नो देखने के लिए, स्नो तो उनको देखने के लिए मिला नहीं, बट हमसे ज़रूर उनकी मुलाकात हुई और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, और उनका एक्सपीरियंस भी आई होप अच्छा ही रहा होगा। तो यार बड़ा अच्छा लगता है जैसे हम नए नए लोगों से मिलते हैं और अलग अलग कल्चर से, अलग अलग कंट्रीज से। जब हम केरला गए थे ना तब भी ऐसा हुआ था, हम नए लोगों से मिलते थे, नई लैंग्वेज, नए कल्चर, तो वो भी चीज़ें हमारे ट्रैवल के एक्सपीरियंसिस को और बढ़ा देती हैं। उन्होंने हमारे रूफटॉप के बारे में पूछा, हमारी लाइफ के बारे में पूछा, हमने कहा कि हम ऐसे कैंपिंग वीडियोस बनाते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव सा ग्रुप था, मज़ा आ रहा था उनके साथ बात करके। चलो जी हमारी भाभी तो लग गई बच्चों के साथ खो खो खेलने। मैडम इधर चल क्या रहा है? केक की तैयारी हो रही है। केक की तैयारी? हाँ। और ये कर क्या रहे हो ये तो बताओ एग्जैक्टली। ये मैं केक का मटेरियल रेडी कर रही हूँ। और जो इसके साथ बनने वाला है हमारा ब्रेड रोल, वो उसका ये देखो मटेरियल रेडी है। केक बार में एक ही चीज बन सकती है ना। कढ़ाई में नमक क्यों रखा है? इस पे बेक करेंगे हम केक को। ओके।
भाभी ने नहीं, गाइस भैया ने बना के दिए चाय। परफेक्ट मीठा है वो, डली काम आ गई हमारी, बनाई काम और गिराई जाता है। तो यार भैया बड़े हेल्दी हैं, यूज करते हैं अपनी धागे वाली मिश्री, जो कि आपको पता है सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। और अभी भानु पीछे केक का प्रोसेस कर रही है, शुरू कर चुकी है, और जब ये केक के प्रोसेस से फ्री होगी ना, तब हम टेंट को और बाकी आसपास के एनवायरनमेंट को करेंगे डेकोरेट। मेरा बर्थडे है, मैं भी साथ में मिलकर डेकोरेट करूंगा। आपको पता है कोच साहब की क्रिएटिव स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी हैं, तो इसलिए बिना दखलअंदाजी के रह नहीं सकता। तो यार भैया की बनाई चाय तो टेस्टी थी ही, अब टेस्ट करते हैं चावल। पहले रूखे चावल, अब गीले चावल। आज रंग तो बड़ी अच्छी है चावलों की, भाई आपको बोल रहा हूँ। नेचुरल कलर डाले अभी मैंने, आपने बाहुबली नहीं देखी? हाँ। मेकअप करती है नेचुरल कलर, वही समझ लो मैं। केसर का रंग लाया, हल्दी का रंग लाया इस वैली से उठा के। हेलो, डिलीवरी तो गजब है। अच्छे बने हैं, दही और चटनी डाल के तो माशाल्लाह। कश्मीर में आके कश्मीर सीख रहे हैं। जैसे जैसे शाम हुई, हम लग गए डेकोरेशन की तैयारी में। मैंने और आकाश भाई ने खूब गुब्बारे फुलाए ताकि रात को टेंट में वाइब क्रिएट हो सके। तो अभी क्या हो रहा है? बस केक की डेकोरेशन। केक की डेकोरेशन? हाँ जी। तो गाइस फाइनली इतने इंतजार के बाद हमारा केक रेडी हो चुका है मेरे बर्थडे का, जो कि भानु ने बहुत मेहनत से बनाया है। तो आज कौन सा केक बनाया है? चॉकलेट। चॉकलेट, और उसमें क्या क्या यूज करा आपने? मैंने उसमें न्यूटेला यूज किया है उसकी क्रीम के लिए, क्योंकि मैंने गनाश नहीं बनाया। मेरे को लास्ट टाइम थोड़ा ठंड की वजह से प्रॉब्लम आई थी ना, जब लास्ट टाइम बनाया था, तो फिर इसलिए मैंने ट्राई ही नहीं किया, मैंने सीधा न्यूटेला यूज कर लिया। केक की शक्ल देख सकते हो, कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। अभी खाने का मन कर रहा है, बट अभी पेशेंस से बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें अभी और काम भी कर रहे हैं। अभी मैं कैमरा अब उठाया काफी टाइम बाद, और ये लोग ना पता नहीं तीनों क्या कर रहे थे ऊपर बैठ के, ये ना डेकोरेशन कर रहे थे मेरे बर्थडे के लिए, पर मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या करा है, कैसे करा है। एक तो आकाश भाई थे, उनकी वाइफ थी, और भानु थी, ठीक है, और केक भी भानु ने बनाया, वो भी मैंने आपको दिखाया ही है। तो अभी अंदर जाने की बारी है, और देखते हैं अंदर जाके कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलो चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं गाइस। ये कर क्या रखा है यार इन्होंने, चलो गाइस ऊपर चलते हैं। अरे खोलो भाई, क्या हुआ? बर्थडे बॉय इज हियर। हैप्पी बर्थडे टू यू सागर भाई। आजू आजू आजू। ना 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 ना। हैप्पी बर्थडे ना ना यू। हैप्पी बर्थडे डियर सागर भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा सुंदर डेकोरेशन हुई है, और मैं काफी ज्यादा खुश हुआ है इनकी मेहनत को देख के। अभी बारी है केक काटने की, सुबह के हम तैयारी में लगे हुए थे, चलो चलते हैं केक काटते हैं। चलो देखना आपके बलून ना फूटे। हाँ बलून फूटते हैं जल्दी। भानु ने खुद इतनी मेहनत से दो तीन घंटे का केक बनाया, आपको पता है। ये उठाओ मैं।
तो इंडिया में पहली बार कोई रूफटॉप टेंट में अपना बर्थडे मना रहा है, वो भी कैंपिंग करते हुए, वो भी विंटर्स में, वो भी अपने आप केक बनाने के बाद। चलो, तो इतना कुछ पहली बार हो रहा है, इसलिए हम टाइटल में भी फर्स्ट लिखेंगे, किसी को दिक्कत तो हो जाए। और कश्मीर में, कश्मीर में पहली बार। काटते फिर केक। यस, फोन में ले आ। काफी हार्ड हो गया केक, बट कोसा उससे भी हार्ड है। बाहर से हार्ड है ना, क्रिस्पी हो गया भाई। मेरा ख्याल रखियो, मैं जम्मू जमी हुई है ना। केक का पीस सबसे पहले हम भानु को खिलाते हैं, क्योंकि इसमें बनाया है। पहले मैं आपको खिलाऊं? आपने मैं सब चुके तो गाइस, अभी केक कट चुका है और सभी में बांट रहे हैं। टेस्ट करके बताओ। मैंने तो टेस्ट कर लिया, मुझे काफी अच्छा लगा टेस्ट में। ये लो भैया, पहले आप करो बाहर वाली। नहीं, पहले मैं आपको खिलाऊंगा। हैप्पी बर्थडे ब्रदर। थैंक यू। और हम दुआ करेंगे कि 1 मिलियन जल्दी जल्दी व्यूज में भी और सब्सक्राइबर्स में भी। यस गाइस, सपोर्ट गाइस। मुझे विश करो गाइस कमेंट पे जल्दी जल्दी। यस, विश करो आप। टारगेट है मुझे 10,000 कमेंट चाहिए मेरे विश के। ओह, लालच बन गया। चलो भाई, आपको भी खिलाते हैं। मजा आ गया। बानु की तारीफ तो कर दो। मजा आ गया। नहीं सोच मेरा कैसा है केक? मैं अपने नहीं छोड़ूंगी केक का। मुझे लग रहा था गाइस आरी चाहिए कटने के लिए, बट चाकू काफी था। मेरी बेइज्जती कर रहे हो भैया? हैप्पी बर्थडे। स्ट्रॉबेरी भी अच्छी लग रही है। चलो अब अपने अपने स्लाइस उठा लो सब। सभी ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं, अकेले भाभी रह गए अंदर। मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से बाहर आने का। सीने से लग जा तू बरखा के मेरी जाना। फाइनली आपको लग रहा होगा कि व्लॉग एंड हो चुका है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारी मेन चीज खाने वाली बची है, हमारा डिनर, और वो है ब्रेड रोल्स। ब्रेड रोल्स जो कोस आपके फेवरेट है, आपको भी पता ही है। और इस बार भी मैंने भानु को बोला कि मेरे बर्थडे पे ब्रेड रोल बनाना, तो अभी भाई टेस्ट करने वाले। भाई को अकेली टोमेटो सॉस नहीं, इमली चटनी भी दो। इमली चटनी नहीं है हमारी, खत्म हो गई। वो बिच्कू कहाँ पे है? वो एक्सपायर हो गई थी, मैं घर पे निकाल के आई हूं। अच्छा, उसके साथ तो और भी जबरदस्त होता है, बट फिर भी आप चलो खाओ, टेस्ट करो और फिर बताओ कि शेफ भानु के बनाए हुए ब्रेड रोल कैसे लग रहे हैं। सही है फ्लेवर? 10 में से 10, बहुत ही बढ़िया, ऑसम। मेरे बर्थडे पे भी कैंपिंग फिक्स। ब्रेड रोल मेन्यू भी सेट है। मेन्यू भी सेट है, शेफ बुक कर लिया हमने। सही बात है। और ये इधर लगी हुई है LPG हीटर गैस स्टोव पे। कैसा लग रहा है फाइनली हमारा केक कटा? और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि केक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि आज स्पेशल डे था, तो मुझे ज़्यादा अच्छा भी बनाना था, तो मुझे थोड़ा डाउट था, पर सबको बहुत पसंद आया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ऑल थैंक्स टू शेफ भानु केक बनाने के लिए। हैप्पी बर्थडे कोत्सा अगेन। थैंक यू। तो फाइनली अभी अपने फेवरेट ब्रेड रोल टेस्ट करते हैं गाइस। मजे, सुपर मजे गाइस, वैसे ही बने जैसे हमेशा बनते हैं, डिलीशियस। तो चलो, आज की सेलिब्रेशन का हुआ दी एंड, पर हम मिलते रहेंगे आपसे यूं ही अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ कहानियों के साथ। तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।